हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मोटर। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह और आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लाया हूं जो आज़ादी के कुछ साल बाद की गाड़ी है। जी हां, यानी कि विंटेज कार। तो देखते हैं वो गाड़ी कौन सी है। जी हां, ये है वो जीप। जैसा कि आप देख सकते हैं विलीज का यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा लोगो दिख रहा है। ये वो मजबूत गाड़ी है जिसे सोचना नहीं पड़ता है कि इसे हम कहाँ ले जाएँ और कहाँ चलाएँ। जी हाँ, इस गाड़ी के लिए हमें कभी भी कुछ नहीं सोचना है कि हमें कहाँ जानी है, ऑफ रोडिंग, कच्चा पक्का, जंगल, कीचड़, रेत या पहाड़। जी हाँ, ये गाड़ी हर जगह चलने के लिए सक्षम गाड़ी है। तो आइए अब मैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स देना चाहूँगा आपको। जैसा कि हम गाड़ी को फ्रंट से देख रहे हैं, ये शॉर्ट चेसिस विलीज है। जी हाँ, शॉर्ट चेसिस विलीज है ये। जैसा कि इसकी लेंथ को देखेंगे हम, लेंथ इसकी बहुत ही छोटी है, ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है। वैसे तो इसके अंदर हम 5 पैसेंजर्स को लेके आराम से जर्नी कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली जो यूज़ होती है राजपूतों के लिए, स्पेशली हंटिंग। जी हाँ, ये जंगल में शिकार के लिए ज़्यादा यूज़ होती थी। और इस गाड़ी का अगर मैं आपको बताऊँ गाड़ी की शुरुआत कैसे थी, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस गाड़ी का जन्म हुआ था। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस गाड़ी का इन्वेंशन किया गया था। उस टाइम वो भरपूर यूज़ किया गया था जो शायद टैंक। जी हाँ, जहाँ टैंक थे वहाँ ये गाड़ी जाती थी। तो आइए देखते हैं, टायर साइज की बात करते हैं। टायर साइज जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक बड़ा सा 16 इंच का बहुत ही शानदार टायर मिलने वाला है। जी हाँ, ये जो बेसिक जीप का टायर होता है, अगर इसको मोटर लाइन में बोला जाए हिंदी में, तो गुड्डी ग्रिप टायर बोला जाता है इसे, जिसकी कीचड़ में पकड़ बहुत अच्छी होती है। और ये ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी में कुछ बोल्ट टायर मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो टायर होता है ये होता है माना जाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर सर्च लाइट मिलने वाली है। जी हाँ, ये सर्च लाइट हमें शिकार के टाइम पे बहुत मदद करती है। और फ्रंट बम्पर में अगर हम देखेंगे तो नंबर प्लेट के ऊपर ये जो दो लाइट्स दिख रही है हमें छोटी छोटी, ये ब्लैकआउट लाइट्स बोलते हैं इन्हें। ये बेसिकली हमें जंग के समय में इन लाइट्स का यूज़ होता था, मगर गाड़ी में एसेसरीज के साथ आई है तो हमने एज इट इज़ इसको लगा के रखा हुआ है। और सामने बम्पर में देखेंगे तो एक टोइंग हिंजेस भी दिखेगा हमें। जी हाँ, ये टोइंग हिंजेस हमें कहीं जंगल में अगर हमारी गाड़ी फंस जाती है या किसी दूसरी गाड़ी की फंसी को हमें मदद करना है तो ये वहाँ हमें बहुत मदद करता है। तो स्पेशली ये व्हीकल मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो जंगल सफारी और वीकेंड्स में जो बिल्कुल नाइट स्टे जंगल के अंदर कहीं करना चाहते हैं। सारी एसेसरीज गाड़ी के अंदर कंप्लीट है। ये देखेंगे हम, यहाँ डिगर भी लगा हुआ है, डिगर का यहाँ पे आपको हैंडल भी मिल रहा है, यहाँ पर एक एक्स भी है। ये स्पेशली इसका यूज़ ये होता है कि जब गाड़ी कहीं रेत में कीचड़ में फंसती है तो हमारे साथ सारे टूल अवेलेबल है, वहीं हमने गड्ढा खोदा और हमारी गाड़ी को हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो एसेसरीज की बात करते हैं तो गाड़ी हमारी फुल लोडेड है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पीछे हमें एक एक्स्ट्रा जेरिकेन मिलने वाला है जो कि या तो पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम अगर कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमें डीजल पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसमें हम एक्स्ट्रा हमारा फ्यूल कैरी करके जा सकते हैं। बाकी आप पीछे देख सकते हैं, टोइंग हुक भी दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ये दिया हुआ जेरिकेन के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्योंकि विंटेज गाड़ी है तो इसके अंदर ये जो हम देख रहे हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का है, और हालांकि अभी तो डीएक्टिवेट है, बंद है, लेकिन गाड़ी के साथ ही का है इसीलिए हमने इसे यहाँ आज तक रखा हुआ है। एक साइड में जैसा कि हम देख रहे हैं, एक टूल के लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स भी मिल रहा है। और सबसे मेन जो मेरा फेवरेट है, ये है गन के लिए। जी हाँ, इसमें हम हमारी गन कैसे, ये यहाँ हमारी गन रख सकते हैं और यहाँ से इसको ऐसे लॉक करेंगे और इसके अंदर हमारी गन को हम आराम से कर रख सकते हैं। और अब ग्राउंड क्लियरेंस की तो क्या ही बात करूँ मैं, चाहे तो पहाड़ों पर चढ़ा है, चाहे तो नदी नाले कूदा है, गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली, हर जगह इजीली चलने वाली है। अब देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलने वाला है। अंदर वो सब मिलने वाला है जो किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। जी हाँ, सबसे बड़ा है, हमें इतना स्पेस मिलने वाला है और वो भी ओपन स्पेस, जिसका मजा कुछ एक अलग ही है। जैसा कि हम ये हुड देख रहे हैं, ये कन्वर्टेबल व्हीकल है, ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें इसकी इंजन यहाँ से ओपन होकर इस लगता है और ये पूरा पुल डाउन हो जाता है और गाड़ी आपकी इजीली ओपन हो जाएगी। फ्रंट जो हमारी ये विंडो है, ये भी हम डाउन कर सकते हैं। सभी को मालूम है, क्योंकि विलीज के और जीप के तो लोग बहुत ही एक अलग ही शौकीन होते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिटिंग कैपेसिटी देखेंगे तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। अंदर हम देख सकते हैं दो पैसेंजर के लिए यहाँ पे है, पीछे भी दो के लिए है। हमारे पास एक्स्ट्रा अगर होते हैं तो हम यह भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और गाड़ी का लुक देखिए आप, बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न में है गाड़ी और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो गाड़ी कैसी लगी, पसंद आई होगी नो डाउट। अब आपको गाड़ी के बारे में जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है गाड़ी की डिटेल्स और इंजन। जी हाँ, इंजन इसमें आफ्टर मार्केट बाद में लगा हुआ है, क्योंकि ये तो आती थी पेट्रोल इंजन में, लेकिन पेट्रोल आज की तारीख में बहुत महंगा है और ऑफ रोडिंग के लिए एक बहुत अच्छा और
बहुत ही पावरफुल इंजन लगाया है। जी हाँ, ईसुजु का इंजन लगाया हमने इसके अंदर, ईसुजु का फोर गियर लगाया हुआ टर्बो इंजन है। और बात करते हैं गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग ईयर की, तो ये 1963 मॉडल है। जी हाँ, विंटेज 1963 का मॉडल है ये। और अगर प्राइस की बात करें तो पहले ट्रायल लेंगे, उसके बाद हम प्राइस की बात करेंगे। जी हाँ, एक बार आएँ, गाड़ी को चलाएं, फिर उसके बाद हम प्राइस की बात करेंगे। ये छोटा सा एक मैंने जो आपके लिए सस्पेंस रखा है प्राइस का। मौसम भी बहुत अच्छा है जंगल सफारी करने के लिए, जल्दी से इस वीकेंड में प्लान बनाएं कि किसी जंगल सफारी पे निकलना है, और जल्दी से इस गाड़ी को लीजिए और जंगल सफारी पे निकल जाइए। जी हाँ, तो जल्द से जल्द श्री मोटर पे आएँ और इस गाड़ी को अपना बनाएं। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होती ऐसी एक शानदार, गजब, जोरदार गाड़ी के साथ।